हेलो फ्रेंड्स, हम भावना, हमर चैनल में अहाँ का स्वागत है। तो आई हम लेके आयल छी नारियल वाला ठेकुआ के रेसिपी, जकरा खजूर कहियो, खबोनी कहियो या टिकिया कहियो। तो देखियो एतेक सॉफ्ट छे कि एक हल्का हाथ से टच करते टूट जाए छे। और ई खजूर बनाबे के लेल हम जतेक नारियल यूज करने छे ओतबे मैदा और ओतेक सूजी। तो एकरा बनेनाइ बहुत कनी रिक्स वाला बात छै। और जब एकरा बनाबे छियै और जब एकरा फ्राई करी तऽ एकदम हल्का हाथ से उल्टा पुल्टा के बनाबू, नहि तऽ अगर कनियो जल्दबाजी करबै तऽ ई टूटि जायत। और जतबे बनेनाइ कठिन छै ओतबे खाइमे नीक लगै छै, ताहि दुआरे हम कहब कि जरूर ट्राई करू। तऽ सबसे पहिले हम कच्चा नारियल लऽ लेलहुँ। एकरा जते ऊपर के परत छै काला वाला सबके काटि के हटा लियो। तो देखियो जते ऊपर का परत छै सबको हम काटि के हटा लेबै और एकरा एकदम छोट छोट साइज में टुकड़ा बना लेबै, काटि के तैयार कऽ लेबै। तो देखियो एना सबटा के नारियल का टुकड़ा छोट छोट साइज में बना के तैयार कऽ लियो। जैसे कि हैत कि जब एकरा पीसबै मिक्सर जार में द के ग्राइंड करबै तो आसानी से भऽ जायत, आ नमहर टुकड़ा रहतै तो एकरा पीसै में परेशानी हैत। ताहि दुआरे तो चलू सब नारियल के टुकड़ा कऽ लेलहुँ। आब एकर हम पेस्ट बना लेबै। तो जते नारियल छै सबके हम पेस्ट बना के तैयार कऽ लेलहुँ, पीस लेलहुँ, जे कि एहन दरदरा छै, एकदम महीन छै। तऽ अहिना बना के तैयार कऽ लियो। तब देखियो हम आधा किलो नारियल के दरदरा पेस्ट बना लेलहुँ। एम्हर एक पौआ मैदा लेने छियै तऽ एक पौआ हम सूजी दऽ रहल छियै। और आधा किलो नारियल के कच्चा नारियल हुआ तो ओकर पेस्ट बना लियो, नहि अगर बुरादा नारियल के दै लए चाहै छियै तऽ मार्केट में अवेलेबल छै, अहाँ मंगा सकै छी। ताहिके बाद हम एहिमे देलहुँ 300 ग्राम चीनी। चीनी देलाके बाद आब हम एहिमे 200 ग्राम रिफाइन या घी, जे किछु अहाँ दै लए चाहै छियै से दऽ दियौ। तकर बाद हम एहिमे देलियै ड्राई रोस्ट कयल मूँगफली। मूँगफली देलियै, अहाँके जे ड्राई फ्रूट पसंद यऽ, काजू, किशमिश, से दऽ सकै छियै। ताहिके बाद एकरा खूब बढ़िआँसँ मिला लेब, बिना पानि देने मिलेबै, किया तऽ नारियल जे छै कच्चा छै ओहोमे पानि छै। और रिफाइन जे हम देलियै ओहो 200 ग्राम देने छियै तऽ सब एहिमे छै, ताहि दुआरे पानि नहि दियौ। और एक चम्मच जमाइन दऽ देलियै और हल्का कन्नी हम आधा चम्मच के लगभग एहिमे हम नमक दऽ देबै, ताहिसँ की हेतै कि एकर स्वाद किछु बिस्कुट जकाँ बनि कऽ आयत। और खूब बढ़िआँ से एकरा मसल के मिला लिया। देखियो आधा चम्मच नमक दऽ देलियै। और अगर अहाँ एकरा व्रत में खाय लए चाहै छियै तऽ सिंधा नमक दऽ दियो, तऽ व्रतो में खा सकै छी। तऽ देखियो एकदम मिल गेल छै, जखन एकरा हम बैंड करबै मुठला बनेबै तऽ दबि जाइ छै, बिना पानि देल भऽ गेलै। ताहि दुआरे पहिले मिला के देख लिया कि बनैए कि नहि, नहि बनैए तऽ पानि दियौ आ नहि तऽ अहिना बना लिअ। तऽ एकरा बना के आब दाबि के किछु देर के लेल छोड़ि दियौ। तऽ आधा घंटा के बाद हम एकरा अब टिकिया बनेनाइ स्टार्ट केलहुँ, जकरा ठेकुआ, खजूर, खबोनियो अहाँ कहै छियै। तऽ अहिना बना लेब। ताहिके बाद हल्का हाथ से प्रेस करैत हुए दबेबै। तऽ देखै छियै इएह तरीका से सबके बना के तैयार कऽ लेबै। और बिना साँच के तार के जे पंखा होइ छै ओहि पर एकरा दाबि के हम बना रहल छियै। तऽ देखियौ कतेक सुंदर डिजाइन बनि के तैयार होइ छै। ओना साँचो में बहुत नीक डिजाइन होइ छै, लेकिन एहि पर करै छियै तऽ बहुत कम समय में बहुत जल्दी बहुत बढ़िया डिजाइन बनि के तैयार भऽ जाइ छै। तऽ अहूँ इएह तरीका से बनायब, उम्मीद करै छी अहाँके नीक लागत। तऽ एहि तरीका से सबटा खजूर के बना के हम तैयार कऽ लेने छियै। और आब हम एकरा फ्राई कऽ लेब।
फ्राई करबाक लेल हम तेल लऽ लेलिए, तेल गरम भऽ गेल छै, एहिमे हम बारी बारी से जते खजूर बनेने छलिए सबके दऽ देलहुँ। आओर कम आँच पर लागऽ दियौ, किया तऽ नारियल कच्चा छै आओर हाई फ्लेम पर पकेबै तऽ ऊपर से तऽ लाल भऽ जेतै लेकिन बीचमे काँचे रहि जायत, ताहि दुआरे कम आँच पर एकरा पकाउ। तऽ एकदम हल्का आँच पर तऽ अहिना हम कम आँच पर सब खजूरके बनाके तैयार कऽ लेबै। आओर उम्मीद करै छी अहाँके रेसिपी नीक लागल हैत, तऽ जरूर ट्राई करब। अखन बहुत पर्व त्यौहार आबैवला छै तऽ ई तरीकासँ बनेबै तऽ किछु नया रहतै। ओना तऽ सूजी मैदाके तऽ सब बनाबै छथिन खजूर टिकिया, लेकिन एहि बेर जे अहाँ बनायब तऽ ई नारियलके बुरादा, आधा मैदा आधा सूजी दऽ कऽ बनाउ तऽ बहुत नीक बनिके तैयार हैत। उम्मीद करै छी अहाँके रेसिपी नीक लागल हैत, आओर खास कऽ कऽ जे बूढ़ बुजुर्ग छथिन ओहो एकदम स्वाद लऽ कऽ खेथिन। वीडियोमे अपन कीमती टाइम देलहुँ ताहिके लेल अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद।